आवासीय श्री राम सिंह इंटर कॉलेज के संस्थापक मेरे पिता लेट श्री श्री राम सिंह यादव जी, जिनका एक विज़न था, एक कॉन्सेप्ट था बोर्डिंग कॉलेज जाने का, कि बच्चे मध्यम वर्गीय परिवार से, बड़े वर्ग के परिवार से और छोटे वर्ग परिवार से, यानी जिनको एजुकेशन की नीड हो, अच्छी एजुकेशन की नीड हो, उनके लिए एक बोर्डिंग कॉलेज स्थापित किया जाए जिसमें बच्चे रहें, खाएं और पढ़ाई करें और विभिन्न कंपटीशन की तैयारी करें। उस ड्रीम को लेकर के 1998 में एक कॉलेज अयोध्या जनपद के रुदौली टाउन में एस्टेब्लिश किया, दूसरा कॉलेज 2007 में आवासीय शिवराम सिंह इंटर कॉलेज के नाम से एस्टेब्लिश किया। उनका जो ड्रीम था, उनका जो सपना था कि चाहे ऊंचे परिवार के बच्चे हों, अमीर परिवार के बच्चे हों, या फिर मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हों जिनके पास पैसों की कमी रहती है पर उन्हें पढ़ाने की इच्छा रहती है और बच्चों को कहीं ना कहीं अगर लगता है कि मैं पढ़कर कुछ कर सकता हूँ, तो ऐसे बच्चों के लिए बोर्डिंग कॉलेज स्थापित किया। बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हों, ये स्वाभाविक है और ये भी स्वाभाविक है कि जो पढ़ता है वो अच्छा हो ही जाता है। अगर बच्चे का पढ़ने का मन है तो कमज़ोरी अपने आप दूर हो जाती है। ऐसे बच्चे जो कमज़ोर हो लेकिन पढ़ने का मन हो, कुछ करने का मन हो, उनके लिए ये बोर्डिंग कॉलेज चलाया जाता है। बहुत से बच्चे आए, मैं 2003 से प्रिंसिपल रहा, बोर्डिंग कॉलेज का प्रिंसिपल रहा, अपनी लाइफ में देखा है मैंने बहुत से बच्चे जो कमज़ोर आए और पढ़कर अच्छा हुए और लाइफ में सक्सेस हुए, किसी फील्ड में एस्टेब्लिश हुए। जो उनका ड्रीम था, मैं उनकी ड्रीम को आगे बढ़ा बोर्डिंग कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में। अब बाराबंकी में जो स्थापित ये स्कूल है शिवराम सिंह आवासीय इंटर कॉलेज, अपने मिशन के लिए, और मिशन ऐसा जो एजुकेशन की तरफ ले जाता हो, सबके अपने अपने मिशन होते हैं। हमारा मिशन एजुकेशन को लेकर के है कि जो कमजोर बच्चा है वो अच्छा कैसे बनेगा। अच्छा बच्चा तो सब लेना चाहते हैं और सब क्रीम को क्रीम बनाते हैं। हम कमजोर बच्चे को लेकर के उनको नाइट क्लास में पढ़वा करके, उनको एक्स्ट्रा क्लास में पढ़वा करके, उनको रेमेडियल क्लास में डाल करके, कमज़ोर कैसा अच्छा बनेगा, इस फार्मूले को हम और हमारे टीचर बेहतर जानता है। सिर्फ एक ही फार्मूला है, बच्चा पढ़ना चाहता हो, टीचर पढ़ाना चाहता हो, इसके अलावा कमज़ोर बच्चों को अच्छा होने का कोई फार्मूला नहीं। जीवन में सफल होने के लिए, पृथ्वी परीक्षाओं में सफल होने के लिए क्लास में डिवीजन का कोई महत्व नहीं होता है कि बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास होता है कि सेकंड पास होता है कि थर्ड पास होता है। क्लास सिर्फ अगली क्लास में जाने का एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि हम किसी क्लास को पास होते दूसरी क्लास को पहुंचते हैं, वो कमीशन का टेस्ट नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि बच्चा जो क्लास में कमजोर हो किसी कमीशन को क्रैक नहीं कर सकता। अगर कंटिन्यूटी पढ़ने में रहती है, स्टडी में रहती है, तो बच्चा श्योर है 100% गारंटी के साथ खुद ही उसका सिलेक्शन हो जाता है। बस कंटिन्यूटी रखने की जरूरत है। इसको हम बच्चों को कंटिन्यूटी कैसे रखें, हमारा बच्चा पढ़ाई में मन कैसे लगाए बच्चा, हम इस दावे के साथ कह सकते हैं कि खराब से खराब बच्चा जो पढ़ने के लिए इच्छा करेगा वो पढ़कर श्योर सफलता पाएगा। और पढ़ने वाला अच्छा बच्चा भी जो नहीं पढ़ना चाहेगा तो आगे चलकर
उसकी पढ़ाई अपने आप से डाउन हो जाएगी और पढ़ने वाला बच्चा जो आज कमज़ोर है कल का आने वाला उसका सबसे अच्छा सुनहरा समय होगा। मैं ऐसे पेरेंट्स को और ऐसे बच्चों को पसंद करता हूँ जो कमज़ोर हों पढ़कर अच्छा होना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि मिशन हमारा एजुकेशन है और एक टारगेट है बच्चों के लिए उनके भविष्य के लिए, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट भी दीजिए। हमारे बच्चों का, हमारे स्टाफ का हौसला बढ़ेगा, वो इनकरेज होंगे, और शेयर ज़रूर करिए ताकि हमारी पहुंच काफ़ी दूर तक जाए, काफ़ी लोगों तक जाए जो नीडी हैं, जो पढ़ाना चाहते हैं, जिनके बच्चे कमज़ोर हैं या जिनके बच्चे अच्छे हैं, वो बोर्डिंग कॉलेज आपके माध्यम से हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके, उनको एक अच्छी व्यवस्था मिल सके। थैंक्स, आई लव यू, धन्यवाद।